अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आसिम सुल्तान, लेक्चरर इन बॉटनी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 8 ऑफ बॉटनी पेपर सी, एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोटीन्स। हमने पहले दो बायो मॉलिक्यूल्स कम्प्लीट कर लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। आज हम प्रोटीन स्टार्ट करेंगे, और प्रोटीन को स्टार्ट करने से पहले डिफाइन कर लेते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स से मिलके बनते हैं प्रोटीन, तो बहुत से अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होंगे तो उससे प्रोटीन फॉर्मेशन होगी। प्रोटीन जो है ना, ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से ड्राइव हुआ, जिसका मतलब होता है फर्स्ट प्लेस। प्रोटीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सेल्स के अंदर, वो भी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज अगर देखी जाए तो कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड विच आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं, और अमाइनो एसिड से एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए लिंक होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता था दो मोनोमर्स के दरमियान, इसी तरह दो अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और प्रोटीन में एटम्स जो होते हैं उनमें कार्बन शामिल है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, और कुछ प्रोटीन में सल्फर भी होते हैं। क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, तो वो फिर प्रोटीन का पार्ट भी होंगे। तो चार मेन चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स में सल्फर भी होगी। अच्छा, सेल में अगर इसकी बात की जाए परसेंटेज की, तो 50% ड्राई वेट जो है ज़्यादातर सेल्स का, वो किस पर मुफ्त होता है? प्रोटीन्स पर। और अमाइनो एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। अब अमाइनो एसिड की बात की जाए तो वैसे तो अमाइनो एसिड बहुत से हैं, लेकिन जो प्रोटीन बनाते हैं वो ज़्यादातर मोस्टली जो है ना 20 नेचुरली अकरिंग जो है ना अमाइनो एसिड हैं, जो प्रोटीन बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये 20 इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड क्या चीज़ है? अमाइनो एसिड्स का केमिकल मॉलिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसमें एक अमाइनो ग्रुप होता है NH2, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है C00H, और हाइड्रोजन एटम होता है साथ, और एक फंक्शनल ग्रुप होता है R। तो ये बाकी बैकबोन है अमाइनो और कार्बोक्सिल और ये हाइड्रोजन की, जबकि जो R ग्रुप है ये चेंज होता रहता है अमाइनो एसिड में, और इसी की वजह से अमाइनो एसिड का नाम और उसके करेक्टर्स भी चेंज होते रहते हैं। अच्छा, ये सब ग्रुप यानी ये एक सेंट्रल कार्बन के साथ बाउंड होते हैं, उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। उस कार्बन को हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। और वो जो अल्फा कार्बन है वो एक एसिमेट्रिक कार्बन है। अच्छा, वो एसिमेट्रिक कार्बन क्यों है? बिकॉज इट इज़ अटैच विद 4 डिफरेंट कोवलेंट पार्टनर्स, यानी कि वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ कार्बन वो वाली अटैच हुई होती है, इसलिए उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। वही बात अब आगे नेक्स्ट है कि नेचर ऑफ आर ग्रुप डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच अमाइनो एसिड। तो आर ग्रुप जो है वो डिटरमाइन करता है कि अमाइनो एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये आर ग्रुप क्या हो सकता है? ये सिंगल हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, जैसे कि ग्लाइसिन। अच्छा, ग्लाइसिन के बारे में यहाँ पर बता दूँ, ये मोस्ट सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें आर ग्रुप सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम होता है, इसलिए ये सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। अच्छा, इसके अलावा आर ग्रुप जो है वो कार्बन स्केलेटन में उसमें हो सकता है, उसमें ज़्यादातर लंबी चेन हो सकती है कार्बन की, जैसा कि ग्लूटामिक एसिड है उसमें कार्बन जो है वो उसका कार्बन स्केलेटन। तो ये हमने इंट्रोडक्शन कर लिया अमाइनो एसिड का। ये अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है। अगर आप राइट साइड पर देखें, सेंटर में देखें तो अल्फा कार्बन है, उसके राइट साइड में अमाइनो ग्रुप है NH2, उसके लेफ्ट साइड में कार्बोक्सिल ग्रुप है C00 और साथ एक और C00H, और नीचे ऊपर आप देखें तो एक हाइड्रोजन है, तो नीचे देखें तो आर ग्रुप है। तो लेफ्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप, राइट साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप, ऊपर हाइड्रोजन, और नीचे जो चौथा ग्रुप है वो आर ग्रुप है। वो कुछ भी हो सकता है, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई कार्बन स्केलेटन वाला मॉलिक्यूल भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है। तो आर ग्रुप डिटरमाइन करेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, और सेंटर में क्या है? अल्फा कार्बन है। और ये अल्फा कार्बन एसिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है। आप देखें सब ग्रुप्स जो हैं जिनके साथ ये अटैच है, वो सारे डिफरेंट हैं। नेक्स्ट आपको कुछ
अमीनो एसिड्स की एग्जांपल दी हैं इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड की, ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में आप देखें सिर्फ एक हाइड्रोजन है, प्रोलीन जो है ये उससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। फिर आगे ये सिस्टीन दिखाया हुआ है, सिस्टीन में ये आगे डिफरेंस है कि ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, अगर आप इसकी राइट साइड पर गौर करें तो SX लिखा हुआ है, तो ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। उसके बाद आपको ग्लूटामिक एसिड दिखाया हुआ है, और ग्लूटामिक एसिड के बाद आपको पाँचवा अमीनो एसिड दिखाया गया, वो यहाँ पर ट्रिप्टोफैन है। अब ये ट्रिप्टोफैन जो है ये, इसको हम एरोमेटिक अमीनो एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये इसमें बेंजीन रिंग आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये एरोमेटिक अमीनो एसिड भी कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड भी देख लिया, एरोमेटिक भी देख लिया, मोस्ट सिंपलेस्ट ग्लाइसिन भी देख लिया, और ग्लूटामिक एसिड और प्रोटीन थोड़े कम्प्लेक्स अमीनो एसिड में आ जाते हैं। ये पांच बड़े इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको 20 जो अमीनो एसिड से मेन उनके नाम और एब्रिवेशन यहाँ पे दिखा दिए हैं, इनको एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ। एलानिन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, फिनाइल एलानिन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मैथ्यूनिन, एस्पेरागिन, प्रोलीन, ग्लूटामिन, आर्जिनिन, सीरीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड वेलाइन। दीज आर द 20 मेन अमीनो एसिड्स वी टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सेंसेस इन द ऑर्गेनिजम्स। टाइप्स की अगर बात की जाए अमीनो एसिड्स की ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, तो दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक जो होते हैं वो नॉन पोलर उनकी साइड चेंज होती हैं, और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं उनकी जो साइड चेंज होंगी आर ग्रुप वाली वो क्या होंगी, पोलर होंगी। इसके अलावा तीन और टाइप्स हैं अमीनो एसिड की, एसिटिक अमीनो एसिड्स हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, और न्यूट्रल अमीनो एसिड हैं। एसिटिक अमीनो एसिड में क्या होता है, इनमें एडिशनल कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, तो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है, एसिटिक नेचर है, तो ये एसिटिक अमीनो एसिड कराएंगे, और इनकी साइड चेन पर नेगेटिव चार्ज होगा। इसकी एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड हैं। देखिए ग्लूटामिक एसिड इज एन एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड इज ऑल्सो एन एसिड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन कार्बोक्सिल ग्रुप्स। फिर बेसिक अमीनो एसिड आ जाते हैं, इसके ऑपोजिट होंगे, इनमें अमीनो ग्रुप्स एडिशनल होंगे, और इनकी साइड चेन जो है उसको जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी एग्जाम्पल आर्जिनिन है। फिर तीसरी टाइप जो है वो न्यूट्रल अमीनो एसिड है, उनमें एक ही अमीनो ग्रुप होता है और एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और ज़्यादातर अमीनो एसिड्स जो हैं वो न्यूट्रल ही होते हैं, उनमें एक ही अमीनो ग्रुप होता है और एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और इसकी एग्जांपल ग्लाइसिन है जो मोस्ट सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। एक एग्जांपल हमने दे दिया, तो ये तीन टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल कार्बोक्सिल या अमीनो ग्रुप। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की। हमने अभी शुरू में बात की थी कि अमीनो एसिड जो है एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए लिंक होते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड आर कोवलेंट बॉन्ड दैट जॉइंस टू अमीनो एसिड्स टुगेदर एंड रिलीज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है, और इसके नतीजे में दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और जॉइन हो जाते हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? इन पेप्टाइड बॉन्ड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड बाइंड टू द अमीनो ग्रुप ऑफ द अदर अमीनो एसिड, यानी कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप ज्वाइन करेगा दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ। अच्छा, अब इस तरह से फिर ये अमीनो एसिड्स आगे मिलते जाते हैं और लंबी चेन बन जाती है, तो अमीनो एसिड की जो चेन होती है वो फ्यूअर देन 50 से लेकर 2000 अबव 2000 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल हो सकती है। ठीक है, तो अमीनो एसिड चेन में 50 से कम अमीनो एसिड भी हो सकते हैं और 2000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दो अमीनो एसिड जब ज्वाइन करेंगे तो डाई पेप्टाइड बनेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बात है यहाँ पे, कि अगर आपसे लोग पूछे व्हाट इज़ डाई पेप्टाइड, तो उसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड एक ही होता है डाई पेप्टाइड में, लेकिन उसको डाई पेप्टाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें दो अमीनो एसिड होते हैं। तो ये आपने थोड़ा याद रखना है, डाई पेप्टाइड कंटेन टू अमीनो एसिड बट सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड। फिर इसी तरह तीन अमीनो एसिड होंगे चेन के अंदर तो वो ट्राई पेप्टाइड होगी, और बहुत से अगर अमीनो एसिड होंगे तो वो पॉली पेप्टाइड होगी। हम यहाँ पे पॉली पेप्टाइड वैसे मोमन कहते हैं, 20 या इससे ज़्यादा अगर अमीनो एसिड होंगे किसी चेन में तो हम उसको पॉली पेप्टाइड कहेंगे, बिलो 20 वाले को हम पॉली पेप्टाइड में नहीं लाते, अबव 20 जो होंगे उसको हम
पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो वो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन पर भी मुश्तमिल हो सकता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज़ हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज, इट मे कंटेन सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स विच आर लिंक्ड टुगेदर। ठीक है, तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती हैं और उनकी ख़ास कन्फर्मेशन होती है और वो आपस में लिंक्ड भी होती हैं सारी, तब वो एक ख़ास प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से भी ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाई हुई है। अगर आप ऊपर देखें तो कार्बोक्सिल ग्रुप है एक अमीनो एसिड का, दूसरे राइट साइड पर जो है वो दूसरा अमीनो एसिड है उसका अमीनो ग्रुप है। ये दोनों आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नीचे आपको दिखाई हुई है। ठीक है, इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोटीन कन्फर्मेशन की, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की। तो प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन पर भी मुश्तमिल हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। दीज चेन्स आर ट्विस्टेड फाउंडेड एंड फोल्डेड अपॉन देमसेल्फ टू फॉर्म अ माइक्रो मॉलिक्यूल। अच्छा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे स्ट्रेट नहीं होती हैं, ये खास जो है पोजीशन लेती हैं, खास कन्फर्मेशन लेती हैं, किस तरीके से ट्विस्ट होकर यानी कि मुड़ कर वाउंड करके एक दूसरे के ऊपर लिपट कर या फोल्ड होकर फोल्ड यूँ आगे पीछे फोल्ड होंगे। तो ये ट्विस्ट वाउंडेड और फोल्ड होकर ये एक खास माइक्रो मॉलिक्यूल बनाती हैं और दिस माइक्रो मॉलिक्यूल है डेफिनेट थ्री डायमेंशनल शेप कॉल्ड कन्फॉर्मेशन। ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इसकी खास थ्री डायमेंशनल शेप होगी जिसको हम उस प्रोटीन की कन्फर्मेशन कहते हैं और वो प्रोटीन की कन्फर्मेशन ही उसके फंक्शन के अंदर बड़ा अहम रोल प्ले करती है। अगर उसकी वो कन्फर्मेशन डैमेज हो जाएगी तो वो डीनेचर हो जाएगी और अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। तो द फंक्शन ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन इट्स कन्फर्मेशन। इसकी बेस्ट एग्जांपल एंजाइम्स की है। एंजाइम परफॉर्म देयर फंक्शन बाय लॉक एंड की मैकेनिज्म, यानी कि एंजाइम की खास शेप होती है, उनके साथ एक खास सब्सट्रेट आके बाइंड करता है। अगर उनकी शेप डैमेज हो जाएगी, कन्फर्मेशन डैमेज हो जाएगी, तो वो सब्सट्रेट उनके साथ बाउंड आके नहीं कर सकेगा और वो अपनी प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे। तो ये मोस्ट प्रोटीन्स आर ग्लोबुलर, सम आर फैबुलस। ज़्यादातर प्रोटीन जो हैं वो ग्लोबुलर इन नेचर होती हैं और कुछ प्रोटीन जो हैं वो फाइब्रस होती हैं। टाइप्स हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है? लॉस ऑफ थ्री स्पेलिंग लास्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का लॉस हो जाना, इसको हम कहते हैं डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसकी काजेज क्या हो सकती हैं, क्यों ऐसा होता है? हाई टेम्परेचर, हमारी बॉडी प्रोटीन है, अगर हम इसको ज़रूरत में जाएंगे तो प्रोटीन कोगुलेट हो जाएगी और वो दोबारा उस शेप में वापस नहीं आ सकेगी, तो डैमेज हो जाएगा स्ट्रक्चर्स का। तो हाई टेम्परेचर की वजह से डैमेज हो सकता है, चेंज इन पीएच की वजह से भी डैमेज हो सकता है और बहुत सारे कुछ केमिकल जो हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं प्रोटीन के साथ, वो उसके स्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं। ये तीन बड़ी मेन काजेज हैं। और जब ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा इसको हम डीनेचर कहेंगे, और जो डीनेचर प्रोटीन होती है, डीनेचर प्रोटीन कैन नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन, वो अपना काम नहीं कर सकते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसमें प्रोटीन्स को का इंट्रोडक्शन किया फुल डिटेल के अंदर। नेक्स्ट टाइम हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टाइम पहले प्रोटीन के स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।